करने जा रहे हैं टॉपिक अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का सो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सबसे पहले सो so, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में आपको आने चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस क्या होता है तो so, सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवेन रूल कोई भी एक पर्टिकुलर रूल चल रहा है उस रूल के हिसाब से अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो so उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर्स लिखे लेट से वन देन फोर देन नाइन देन सिक्सटीन देन ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन तो ये नंबर्स जो लिखे हैं ये सीक्वेंस में है सीक्वेंस में क्यों है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर से है किस ऑर्डर से है ये एक ऑर्डर से है कि ये बेसिकली नंबर्स दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है सो so ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि दीज आर द स्क्स ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है सो दैट इज वाई इट इज इट इज इट विल बी नोन एज अ सीक्वेंस तो इसको हम लोग क्या जानेंगे सीक्वेंस के नाम से जानेंगे ठीक है चलिए उसके बाद आता है टर्म्स टर्म्स क्या होते हैं टर्म्स का मतलब होता है द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स तो यहाँ पे जो नंबर्स थे नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं सीक्वेंस का टर्म तो सीक्वेंस का मतलब हो गया ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स वो नंबर्स किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं हो सकता है फ्रॉम स्मॉल टू बिग अरेंज हो हो सकता है उनके बीच का डिफरेंस टू टू का हो हो सकता है कि मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं इस तरीके से भी हो सकती है सीरीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो so ये भी एक सीक्वेंस हो गई ठीक है उसके बाद हो गया लेट्स वन फोर नाइन सिक्सटीन ये भी एक सीक्वेंस हो गई ठीक है और हो सकता है लेट से टू फोर सिक्स एट ये भी एक सीक्वेंस हो गई सो दीज आर बेसिकली सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस हैं क्योंकि नंबर्स के बीच में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज है ये नंबर इसीलिए इसको हमने क्या बोला सीक्वेंस बोला ठीक है टर्म्स का मतलब हो गया जो उनके टर्म्स होते हैं जो उसमें आने वाले नंबर्स हैं सीरीज का मतलब क्या होता है सो द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज तो जैसे हमने टर्म्स लिखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारी सीक्वेंस थी इस सीक्वेंस में अगर सारे टर्म्स को एड कर दिया जाए तो ये सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सीरीज ये क्या बन गया ये बन गया सीरीज ठीक है सिमिलरली जैसे टर्म्स दिए हैं टू फोर सिक्स एट टेन इस तरीके से इनके बीच में अगर एडिशन का साइन लगा दिया गया तो ये भी क्या बन जाएगा ये भी बन जाएगा सीरीज ठीक है सो ये सब क्या बन गए ये सब बन गए सीरीज ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया सीरीज के बारे में अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है सो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स ओबे अ सर्टेन पैटर्न सो सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब एक सर्टेन Uh, जैसे यहां पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सबके बीच में टू टू का डिफरेंस है तो ये एक पैटर्न है ठीक है यहां पे क्या पैटर्न है यहां पे पैटर्न है कि सबके बीच में वन वन का डिफरेंस है तो ये पैटर्न है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रोग्रेशन ठीक है अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सो so, प्रोग्रेशन का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रोड्यूसेर इज ऑलवेज कांस्टेंट सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है जो सक्सीडिंग टर्म होता है यानी जो बाद में आने वाला टर्म है अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए टू द प्रिस टर्म टू जो पहले आने वाले टर्म से तो अगर हर केस में वो चीज सेम है तो हम लोग उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जाम्पल लेट से थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन अब यहाँ पे देखिए जैसे इन दोनों टर्म्स में सक्सीडिंग टर्म है सिक्स और प्रिसीडिंग टर्म है थ्री दोनों का डिफरेंस आया थ्री सक्सीडिंग टर्म है नाइन प्रिसीडिंग टर्म है सिक्स दोनों का डिफरेंस आया थ्री देन ट्वेल्व माइनस नाइन इज थ्री Then 15 माइनस ट्वेल्व थ्री तो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे जो सक्सेसिव टर्म्स हैं जो बाद में आने वाला टर्म है अगर उसका डिफरेंस पहले आने वाले टर्म से निकाला जा रहा है तो हर केस में ये जो डिफरेंस है ये सेम है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है दिस इज इन शॉर्ट नोन एज एपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी ठीक है सो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है सो अ सीरीज ऑफ नंबर बहुत सारे नंबर की सीरीज दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम वही वाली बात है अब ऐसा नहीं है कि सब बढ़ने वाली ही हो सकती है घटने वाली भी हो सकती है सीरीज ऐसी भी हो सकती है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन ऐसा भी हो सकता है ट्वेल्व टेन एट सिक्स फोर ऐसा भी हो सकता है सो so इसमें क्या हो रहा है देखिए इसमें सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म करेंगे तो हर केस में जो डिफरेंस आएगा वो माइनस टू का आएगा सो so ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें भी क्या हो रहा है इसमें भी सेम अमाउंट का डिक्रीज है हर स्टेप पे ठीक है फॉर एक्साम्पल द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर ये जो सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर है वन के बराबर ठीक है टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फोर माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा वन का आएगा ठीक है इन जनरल एन हुज फर्स्ट टर्म इज ए अब जनरल तरीके से देखा जाए तो एक ए पी क्या होती है जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है तो उसके जो टर्म्स हैं उनको कैसे लिखेंगे उनको लिखेंगे इस तरीके से ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली सो so इसका मतलब हुआ बेसिकली यहाँ पे कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है इन दैट केस फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस थ्री डी एंड ऑन so इस तरीके से चलता जाएगा जब डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आगे बढ़ जाते हैं फाइनाइट एपी क्या होती है देखिए एपी दो तरीके की होती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सो फाइनाइट एपी क्या होती है ऐसी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होते हैं ठीक है अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइट दिए हुए हैं सो so उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर दिस सो so, ये कुछ बच्चे जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं उनकी हाइट तो उनकी हाइट जो है वो हमने लिख ली सो so, ये क्या हो गया ये हो गया एक फाइनाइट एपी देखिए सब में डिफरेंस कितने कितने का है सब में डिफरेंस वन वन का है तो ये क्या हो गया फाइनाइट एपी क्योंकि यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं ठीक है इन फाइनाइट एपी का मतलब होता है एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट या फिर जिसे कह सकते हैं इनफाइनाइट अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है किसी भी ए पी में तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट एपी फॉर एग्जाम्पल 170 40 10 हम अब यहां पे देखिए क्या चल रहा है यहां पे डिफरेंस चल रहा है माइनस थर्टी का सो माइनस थर्टी किया फिर माइनस थर्टी किया फिर माइनस थर्टी किया फिर माइनस थर्टी आएगा सो so इस तरीके से जो टर्म्स चल रहे हैं डॉट 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 के फॉर्म में चल रहे हैं जैसे नेचुरल नेचुरल सो कहा से कहां तक होते हैं अप टू तो तक जाते हैं इनफिनिटी तक और हर प्रिडिंग सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो के बराबर आता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे एक फाइनाइट एपी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द दी वेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन ए दिया है डी दिया है हमको फर्स्ट फोर टर्म्स निकले हैं ठीक है चलिए लिख लेते हैं सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ठीक है सो so चारों टर्म हमको लिखने हैं यहाँ से तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया फोर अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म इज ए तो ए जो दिया है वो हो गया फर्स्ट टर्म अब डिफरेंस कितने का दिया है डी का सो so सेकेंड टर्म किसके बराबर होता है सेकेंड टर्म बराबर होता है ए प्लस डी तो ए प्लस डी अगर यहां से करेंगे सो फोर प्लस फाइव कितना आ जाएगा नाइन के बराबर ठीक है सिमिलरली थर्ड टर्म अगर देखें तो थर्ड टर्म क्या है ए प्लस टू डी सो ए प्लस टू डी करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर प्लस टेन दट इज इक्वल टू फोरटीन ठीक है फिर फोर्थ टर्म क्या जाएगा? Fourth term आ जाएगा फोर्थ तो टर्म तो आ जाएगा ए प्लस थ्री डी तो इसमें ऐड करेंगे थ्री डी तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा नाइनटीन सो दीज आर द टर्म्स ये क्या हो गए ये हो गए हमारे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ये सारे हमारे क्या हो गए ये सारे हमारे टर्म्स हो गए ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द द द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवेन एज फॉलो फिर से ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालना है सो so इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर यहाँ से लिख लेंगे सो दिस क्वेश्चन इज अ डी आई वाई डी आई वाई मतलब डू इट योर सेल्फ इसको अपने आप आप करेंगे सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस थ्री डी सो ये सारे टर्म्स हो गए ठीक है सो इन टर्म्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेट करके सो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव एंड सो ऑन इस तरीके से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं ठीक है तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अब फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म निकालने का ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है तो उसका हमको मान लीजिए सेवेंथ टर्म निकालना है एथ टर्म निकालना है ट्वेंटी है तो कोई भी जनरल टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होता है सो टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ पे जो हो गया ये हो गया हमारा first term. So A is the first term. A हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और डी जो हो गया हमारा दैट इज द कॉमन डिफरेंस सो ए हो गया फर्स्ट टर्म डी हो गया कॉमन डिफरेंस एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ समझ में आ जाएगा सो लेट से हमारे पास सीरीज दी हुई है इस तरीके से ठीक है ये हमारी सीरीज है तो इस सीरीज में अगर हम लोग को निकालना है लेट से नाइन्थ टर्म ठीक है सो नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए नाइन इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए ए की जगह हो गया फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म है फाइव प्लस एन माइनस वन एन क्या होता है यहाँ पे एन होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स तो जो भी आपको टर्म निकालना है वो वाला टर्म नंबर ऑफ टर्म ठीक है सो so, हमको यहां से निकालना है नाइन्थ टर्म तो एन की वैल्यू हो गई नाइन सो ये हो गया नाइन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है फाइव का क्योंकि टेन माइनस फाइव करेंगे तो भी फाइव आएगा फिफ्टीन माइनस टेन करेंगे तो भी फाइव आएगा ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन करेंगे तो भी फाइव आएगा ठीक है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा फाइव प्लस एट टाइम्स फाइव एट फाइव फोर्टी 40 प्लस फाइव कितना जाएगा 45 अब देखिए ये बेसिकली जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये क्या है ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली फाइव की टेबल है सो so फाइव की टेबल में जो नाइन्थ टर्म होगा वो क्या होगा जो नाइन्थ टर्म होगा वो 45 होगा और ये 45 है मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि ये प्रूव हो गया हैंस ठीक है यहाँ से हमने इसको निकाल लिया सो so ये फार्मूला इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड द एनेथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है अब दूसरी चीज क्या देखिए कह रहा है द आरिथ टर्म ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए और कह रहा है कि छठा टर्म निकालिए पीछे से एंड से ठीक है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा तो लेट देयर बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी तो हम लोग मान लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है इस तरीके से लिख लेते हैं ये मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं सो so ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ठीक है ये इसका लास्ट टर्म है जो अभी हमने निकाला था नाइन्थ टर्म ठीक है सो so, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है देयर आर एन टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे टोटल एन टर्म्स है एन टर्म्स मतलब यहां पे अगर देखा जाए सो दिस इज फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म और ये वाला कौन सा था ये था नाइन्थ टर्म ठीक है सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नाइन देन rथ टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय दिस फार्मूला a plus n minus r d इस फार्मूले से हम rथ टर्म निकाल सकते हैं पीछे से rथ टर्म निकाल सकते हैं पीछे से मतलब अगर मान लीजिए इस सीरीज में हमको निकालना है बैक फ्रॉम सिक्स्थ टर्म फ्रॉम अगर हमको निकालना है एंड तो कैसे निकालेंगे सो so, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया आर की वैल्यू हो गई हमारी सिक्स सो so, यहां से ए ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ए प्लस एन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे यहां पर नाइन आर आर का मतलब है कौन सा वाला टर्म निकालना है एंड से तो हमको सिक्स टर्म निकालना था तो आर की वैल्यू हो गई सिक्स इन टू द कॉमन डिफरेंस फाइव सो आ जाएगा फाइव प्लस टाइम्स फाइव सो फाइव थ्री कितना आ जाएगा यह आ गया ट्वेंटी यानी छठा टर्म फ्रॉम द एंड टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू ट्वेंटी किसके बराबर होगा ट्वेंटी के बराबर होगा भाई करके देख लेते हैं ये हो गया नाइन्थ टर्म ठीक है एट्थ टर्म हो गया फोर्टी फिर सेवेंथ टर्म हो गया थर्टी फाइव फिर सिक्स टर्म हो गया आ, जैसे ऐसे मान लेते हैं तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया सेकेंड टर्म ठीक है थर्ड टर्म फिर फोर्थ टर्म सो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से फोर्टी फाइव ये हो गया फोर्टी ये हो गया थर्टी फाइव ये हो गया थर्टी फिर फिफ्थ टर्म हो गया ट्वेंटी फाइव ठीक है सिक्स टर्म हो गया ट्वेंटी तो हमको क्या निकालना था सिक्स टर्म फ्रॉम एंड देखिए सो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड जो निकाला वो कितना आ गया वो आ गया ट्वेंटी मतलब जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ ठीक है सो so, यही चीज है यहाँ पे सो ये फॉर्मूला है अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम यहाँ से आरथ टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम दी एंड मतलब शुरुआत से तो निकालने का तरीका ए प्लस एन माइनस वन डी जो इससे पहले बताया था और पीछे से निकालने का ये तरीका हो गया ठीक है पीछे से निकालने का मतलब सीरीज के पीछे से निकालने का डोंट टेक इट अदरवाइज सीरीज के पीछे से आंसर निकालने का तरीका ये है सही है एक और फॉर्मूला होता है इसी चीज को करने का क्या है इफ l इज द लास्ट टर्म ये l लिखा है 1 ने लिखा है सो so इफ l इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी अगर एक एपी है जिसका l जो है वो लास्ट टर्म है द rथ टर्म फ्रॉम द एंड इज द rथ टर्म ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज एल एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस डी अब यहाँ पे देखिए क्या खेल हो रहा है ये वाला फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या है जैसे मान लीजिए यही हमको एक सीरीज दी हुई है जिसका हमको लास्ट टर्म पता है 45 के बराबर ठीक है थीक? इसको हमने एल के बराबर बोल दिया दिस इज द लास्ट टर्म अब हमसे कह रहा है सिक्स टर्म निकालो फ्रॉम द एंड क्या करो इस सीरीज को पूरा उल्टा ले लो ठीक है इस सीरीज को उल्टा ले लो मतलब हमने अभी तक ये सीरीज लेफ्ट टू राइट पढ़ी थी अब इसको उल्टा ले लो राइट टू तो लेफ्ट ले लो तो अगर इस सीरीज को राइट टू तो लेफ्ट लिया जाएगा तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है अब देखिए इस सीरीज को पूरा उल्टा देखिए ठीक है, है इस सीरीज को पीछे की तरफ से देखिए इस तरफ से पीछे की तरफ तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा फोर्टी फाइव ठीक है कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म होता है सो सक्सीडिंग टर्म होगा फोर्टी और प्रिसडिंग टर्म होगा 45 फाइव so सो 40 माइनस फोर्टी करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस फाइव अब यहां से अगर सिक्स टर्म निकालें यूजिंग द वही वाला फार्मूला जो इससे पहले निकाला था तो ए प्लस फार्मूला क्या था फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहां पे ए क्या हो जाएगा तो अगर हम इस सीरीज को पीछे से देखें तो ए हमारे लिए हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस एन मतलब हमको छठा टर्म निकालना है फ्रॉम दिस साइड तो सिक्स माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सो डी की वैल्यू अब पीछे से जाएंगे देखिए लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो डी की वैल्यू रही थी प्लस फाइव पर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव सो डी की जगह रख दिया माइनस फाइव इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये हो गया फोर्टी फाइव प्लस सिक्स माइनस वन फाइव इंटू माइनस फाइव दैट इज फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है ठीक है तो ये जो भी कुछ है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है ठीक है सो क्या बोला मैंने यहां से कि अगर हमको टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज तो या तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए सीरीज में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम लोग यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हमको लास्ट टर्म पता है सीरीज का तो उस केस में हम लोग उसको फर्स्ट टर्म मान के कॉमन डिफरेंस माइनस डी मान के और ए प्लस एंड माइनस डी वाला फॉर्मुला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों फॉर्मुले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन दोनों फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में हो जाएगा सो लेट्स कम टर्म बताइए टेन so इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग सो सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग करेंगे तो कितना माइनस थ्री ठीक है सो so हमको निकालना है थर्टीएथ टर्म सो थर्टीएथ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन एथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से क्या टेन प्लस थर्टी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री तो ये हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी नाइन इंटू माइनस थ्री सो ट्वेंटी नाइन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन टू थ्री टू हजार सिक्स टू हजार एट माइनस एट्टी सेवन सो आ जाएगा टेन माइनस एट्टी सेवन इज इक्वल टू माइनस का सेवनटी सेवन सो दिस इज फाइनल आंसर थर्टीएथ टर्म ऑफ एपी तो इस एपी का थर्टियथ टर्म तीसवा टर्म किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा माइनस सेवनटी सेवन के बराबर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है दिक्कस माइनस टेन And the tenth term is minus twenty six. Determine the fifteenth term. अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बुक में भी दिए हुए हैं कह रहा है sixth term of an A.P. is minus टेन So sixth term दिया है minus टेन के बराबर and tenth term दिया है minus ट्वेंटी सिक्स के बराबर कह रहा है फाइंड term. तो फिफ्टी टर्म हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है कैसे निकालेंगे इस फिफ्टीन टर्म को देखिए सो सिक्स टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं सो सो टर्म का मतलब है हमने यहाँ पे मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी सो so, अगर फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है तो सिक्स टर्म किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस सिक्स माइनस वन डी सिक्स टर्म किसके बराबर दिया है माइनस टेन के सो माइनस टेन इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी इसको मान लेते हैं इक्वेजन वन सो ये हो गई हमारे लिए इक्वेजन वन ठीक है सिक्स टर्म वाले के लिए अब टेंथ टर्म भी हमको दिया है सो टेंथ टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं सो so, ये हो गया टेंथ टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस टेन माइनस वन इन डी सो टेंथ टर्म किसके बराबर दिया माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी इसको मान लेते हैं हम लोग क्या सेकेंड इक्वेजन देखिए हमारे पास दो अननोन है ए और डी सो ए हमको नहीं पता ये अननोन है हमारे लिए इन दोनों अननोन्स को क्या करेंगे जानने के लिए दो इक्वेशन दो अननोन तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आएगा सो so यहां साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखा रहा हूं माइनस टेन इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी एंड माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वस टू ए प्लस नाइन डी दोनों इक्वेजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो so ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस ये हो गया माइनस ठीक है सो ट्वेंटी सिक्स माइनस टेन ये हो गया सिक्सटीन इज इक्वल टू ए माइनस ए कैंसिल हो गया ये आ जाएगा माइनस फोर डी सो डी की वैल्यू कितनी आ गई डी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस फोर के बराबर सो so, डी की वैल्यू अगर माइनस फोर के बराबर आई है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सो so, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ए डी की वैल्यू रख देते हैं किसमें इक्वेशन वन में सो पुट डी इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन फर्स्ट तो यहां से डी की वैल्यू अगर माइनस फोर रखेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा फाइव इन टू तो ये हो गया माइनस टेन इज इक्वल टू ए माइनस अब देखिए फाइव इंटू माइनस फोर करेंगे तो माइनस ट्वेंटी आ जाएगा इस माइनस ट्वेंटी को इधर भेजा तो ये हो गया प्लस ट्वेंटी माइनस टेन प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू ए सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई टेन सो ए की वैल्यू अगर टेन आ गई तो ए की वैल्यू भी पता चल गई डी की वैल्यू भी पता चल गई अब क्या निकालना है अब हमको निकालना है फिफ्टींथ टर्म तो फिफ्टींथ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे ए फिफ्टीन विल बी इक्वल टू ए प्लस फिफ्टीन माइनस वन दैट इज फोर्टीन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस फोर ठीक है सो ये आ गया टेन माइनस फिफ्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टी सिक्स सो दिस इज द फाइनल आंसर सो फिफ्टीनथ टर्म विल बी इक्वल टू माइनस का फोर्टी सिक्स सो दिस इज़ द फिफ्टींथ टर्म ठीक है सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां पे ठीक है सो so, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा था पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आएगा स्टार बना लीजिए इसको लिख जरूर लीजिएगा क्या किया है इसमें टर्म दिया माइनस टेन के बराबर टर्म दिया है ट्वेंटी फिफ्टी टर्म निकालना था तो हमने यहां से फिफ्टींथ टर्म दोनों इक्वेजन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कह रहा है फाइंड द दिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी अब देखिए ये एपी दिया है कह रहा है पीछे से सिक्स टर्म निकालिए यहां से अगर ऐसे मूव करेंगे तो यहां से टर्म निकालिए ठीक है सो so, देखिए अब यहां से हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है माइनस फोर्टी के बराबर है ठीक है सो so, अगर इस एपी को उल्टा देखा जाए तो इस एपी के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म हो गया माइनस फोर्टी के हिसाब से अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं देखिए यहां से सो कॉमन डिफरेंस अगर इधर से निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म देखिए इधर से मूव कर रहे हैं सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म सेवनटीन माइनस फोर्टीन करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री सो कॉमन डिफरेंस आ गया थ्री कौन सा टर्म निकालना है हमको सिक्स टर्म निकालना है सो so एन की वैल्यू हो गई सिक्स सो हमने क्या किया बेसिकली फॉर्मूला रटा नहीं बस हमने इस सीरीज को पीछे से पकड़ा और पीछे से सिक्स टर्म निकाल देते हैं सो so यहाँ से हो गया सिक्स टर्म फ्रॉम दी एंड विल बी इक्वल टू अब एंड से मतलब हम एंड की तरफ से ही चल रहे हैं ठीक है सो so एंड की तरफ से छठा टर्म निकालना है सो so ये हो जाएगा ए दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस एन माइनस वन तो सिक्स माइनस वन हो गया फाइव इंटू डी डी की वैल्यू कितनी है थ्री सो so हो गया माइनस फोर्टी प्लस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी फाइव तो ये आंसर कितना आ गया माइनस का ट्वेंटी फाइव दैट इज दिक्सथ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी फाइव ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ठीक है सो so, इस तरीके से करना था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कह रहा है क्या 200 हंड्रेड इस टू हंड्रेड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या 200 हंड्रेड इस सीक्वेंस का कोई टर्म है ऐसे क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर ले तो भाई कसम से आरडी शर्मा एमएल अग्रवाल आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी सब सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा सारे क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर कर लिए attempt कर लिए अटेम्प्ट ठीक है सो so 200 कह रहा है क्या इस सीक्वेंस का कोई हिस्सा है तो हम लोग मान लेते हैं लेट टू हंड्रेड इज सीक्वेंस इस सीक्वेंस का एन टर्म जो है वो 200 है तो एन टर्म के फॉर्मूले में लिख लेते हैं एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ से ए एन ए एन मतलब एन एथ टर्म कितना है एनएथ टर्म एन एथ टर्म है टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू ए ए की वैल्यू क्या हो गई ए की वैल्यू हो गई हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी हो गई सो डी की वैल्यू हो गई सेवन माइनस थ्री that is equals to 4 so 7 3 अगर करेंगे यहां से तो किसके बराबर आ जाएगा 7 3 करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा दैट इज डी अब n की वैल्यू निकालते हैं अब देखिए पता कैसे चलेगा कि 200 जो है वो कोई एक पर्टिकुलर टर्म है किसी सीरीज का तो अगर n की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आएगी तब तो ये सीरीज का सीक्वेंस इस सीक्वेंस का टर्म होगा वरना नहीं होगा क्योंकि टर्म क्या होता है पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म यही तो हो सकता है भाई ऐसा तो नहीं सकता है कि साढ़े टर्म, 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 टर्म हमेशा पूरे पूरे क्वांटिटी में होता है सो होल नंबर में एन की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आनी चाहिए अगर आई तो हाँ ये इसका हिस्सा है अगर नहीं आई तो ये इसका हिस्सा नहीं है ये सिर्फ एक किस्सा है ठीक है सो so, सॉल्व कर लेते हैं टू हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन माइनस फोर अब देखिए थ्री प्लस फोर एंड माइनस फोर थ्री माइनस फोर करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन माइनस वन को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया टू हंड्रेड माइनस वन उधर जाएगा तो जाएगा प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर एन तो यह आ जाएगा टू जीरो वन अपॉन फोर इक्वल्स टू एन तो देखिए एन डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर अब एन यहां पर होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा टू जीरो वन को फोर से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा टू जीरो वन को फोर से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा होल नंबर में नहीं आएगा ठीक है सो होल नंबर में क्योंकि नहीं आएगा फिफ्टी पॉइंट टू आएगा शायद टू फाइव आएगा सो so क्योंकि ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा देयर फोर वी कैन से टू हंड्रेड इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ये टू हंड्रेड जो है सीक्वेंस का टर्म है ही नहीं ठीक है यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो so, इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ए पी अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, जब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाते हैं ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है समझना है रटना है जो समझना है समझ लीजिए लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा और इसको लिख जरूर लीजिएगा कॉपी में तभी आप कुछ कर पाएंगे कह क्या रहे हैं कि अगर हमको कुछ टर्म्स दिए हैं जिनको हमको सपोज करना है किसी क्वेश्चन में तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास थ्री हैं ठीक है कह रहा है हमारे पास थ्री टर्म्स आर इन एपी और कुछ कंडीशन दिए लेकिन वो तीनों टर्म नहीं दिए तो उस केस में आप तीनों टर्म लेंगे क्या पहला टर्म लेंगे ए माइनस डी दूसरा टर्म लेंगे ए और तीसरा टर्म लेंगे ए प्लस डी जहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा जहां पे कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगा समझिएगा इस चीज़ को ठीक है सो so यहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा यहां पे कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगा सो so अगर हमको तीन टर्म्स लेने हैं एपी में तो हम पहला टर्म लेंगे ए माइनस डी दूसरा टर्म लेंगे ए और तीसरा टर्म लेंगे ए प्लस डी यहाँ पे अगर हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करें सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म अगर यहां से करें सो दैट इज ए माइनस ऑफ ए माइनस डी तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस डी सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा सो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो डी के बराबर आएगा ठीक है सो so, अगर तीन टर्म्स दिए हैं हमको तो हमारा फर्स्ट टर्म लेना है ए माइनस डी सेकेंड टर्म लेना है ए और थर्ड टर्म लेना है ए प्लस डी अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ फोर टर्म्स की बात कर रहा है अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा अगर फोर टर्म्स की बात कर रहा है तो पहला टर्म लेना है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी फोर टर्म्स की अगर बात कर रहा है फोर टर्म्स आर इन एपी सो उस तरीके से हमको क्या करना है पहला टर्म होगा ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी इस तरीके से लेना है ठीक है कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना होगा तो कॉमन डिफरेंस यहां पे होगा टू डी के बराबर ठीक है करके देख लीजिए सिमिलरली अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स लेने कि फाइव टर्म्स आ रहे हैं एपी और हमको पता नहीं है तो हम लोग कौन कौन से टर्म लेंगे ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी देखिए फाइव और ऑड वाले में क्या होता है बेसिकली ऑड वाले में ए वाले को ले लो बीच में उसके पीछे उतने लगा दो और उसके आगे उतने लगा दो जैसे पांच टर्म है तो पांच का बीच का क्या हो गया पांच का बीच का हो गया थर्ड टर्म ठीक है सो so, हमने थर्ड टर्म को ले लिया ए A. A के पीछे दो टर्म लगा दो तो ए के आगे दो टर्म लगा दो और डिफरेंस हमेशा कितने का रखो डिफरेंस हमेशा रखो डी नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस डी का रहेगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस का रहेगा तभी इवन नंबर आएगा ठीक है सिक्स वाला जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं ऑल दो सिक्स वाला कभी पूछा नहीं जाता है सो so आपके लेवल पे नहीं है एन की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है तो आपको सिक्स तक का भी आ सकता है तो उसके लिए ये लिख जरूर लीजिएगा सो इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स द मिडिल टर्म इज ए देखो जो मैं बता रहा था सत्य घटनाओं पर आधारित है तो मैं यही कह रहा था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो उसमें ए आएगा ठीक है और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस टू डी के बराबर होगा ऑर्ड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगा ये यहां से आपको लिखना है इस चीज को आपको समझना है क्वेश्चन कराता हूं उससे समझ में आएगा चलिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज माइनस थ्री एंड देर प्रोडक्ट इज एट फाइंड द नंबर अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कह रहा है कि तीन नंबर जो एपी में है उनका सम माइनस थ्री के बराबर है तो हम लोग यहां से ले लेंगे थ्री टर्म्स आर तीन टर्म जो हम लोग लेंगे वो कौन कौन से टर्ट तो ले लेंगे तो ए ले लेंगे ए माइनस डी फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म एंड ए प्लस डी थर्ड टर्म अब यहां पर तीन नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ठीक है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d के बराबर होगा जो फर्स्ट टर्म है वो a माइनस डी के बराबर होगा ठीक है कह रहा है कि तीन नंबर एपी में हैं और उनका जो सम है वो माइनस थ्री के बराबर है तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग यहां से लिखें सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो कर लेते हैं भाई इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो सम किसके बराबर है माइनस थ्री के ठीक है तो कर लेते हैं सम माइनस डी से प्लस डी कट गया यह आ गया थ्री ए Is to 3, so A की value आ लेकिन अगर ना तो ईजी हो जाता है सोल्व करना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो यहां से डायरेक्टली देखिए ए की वैल्यू आगे माइनस वन के बराबर कह रहे यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एट के बराबर आएगा तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्रोडक्ट अगर दिया है तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ए की वैल्यू होगी माइनस वन माइनस डी ठीक है फिर माइनस वन फिर माइनस वन प्लस डी सो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो so ये किसके बराबर आ रहा है एट के बराबर तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं डी की वैल्यू तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए अगर ए और डी की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल बिंदास सॉल्व ठीक है सो so, अब इसको क्या करें भाई इसको लिख सकते हैं देखिए माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा वन प्लस डी इंटू डी माइनस वन इज इक्वल टू एट तो इसको वन प्लस डी को हम ऐसे भी ले सकते डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन इज इक्वल टू एट तो किया क्या इस माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो दोनों साइंस थे एक ऐसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो वन प्लस डी तो डी प्लस वन डी माइनस वन तो ये किसके बराबर हो गया डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एट बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है सो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एट सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस थ्री ठीक है प्लस माइनस थ्री क्यों भाई क्योंकि प्लस थ्री इंटू प्लस थ्री करोगे तब भी नाइन ना आएगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री करोगे तब भी नाइन ना आएगा ठीक है सो so डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस थ्री अब डी की दो वैल्यूज आई है मतलब दो सीरीज़ बनेंगी कैसे कैसे बन सकती हैं तो पहली सीरीज बन सकती है देखिए पहला नंबर है माइनस वन ठीक है फिर कॉमन डिफरेंस कितने का है अगर मान लेते हैं थ्री का तो कॉमन डिफरेंस थ्री है तो इसमें थ्री एड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू फिर इसमें थ्री एड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये इसमें सॉरी ये आ जाएगा प्लस टू और इसमें थ्री ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फ़ाइव तो या तो पहली सीरीज़ ऐसी हो सकती है या फिर दूसरी सीरीज़ क्या हो सकती है पहला टर्म है माइनस वन ठीक है इसमें माइनस थ्री एड कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस फोर इसमें माइनस थ्री ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस सेवन तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स तो ये हमको नंबर्स निकालने थे तो ये हमारे नंबर्स आ गए बताइए हाँ या ना हाँ है या ना है सो ए की वैल्यू है माइनस वन माइनस वन माइनस डी माइनस फोर उसके बाद है माइनस वन प्लस डी सो माइनस वन चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्या गड़बड़ है देख लेते हैं सॉरी पीछे हो गया हाँ थोड़ा सा छोटा अरे यार इतना बड़ा क्या भाई ठीक है हाँ देखिए सो so ए की वैल्यू हो गई माइनस वन तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वन अब ए माइनस डी जब डी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं थ्री के बराबर ठीक है सो माइनस वन प्लस थ्री सो माइनस वन प्लस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा प्लस का टू और ए प्लस डी सो माइनस वन प्लस माइनस वन अच्छा जब थ्री लिया था तो यहाँ पे आएगा माइनस वन माइनस थ्री सो माइनस वन माइनस थ्री कितना आ जाएगा यह आ जाएगा माइनस का फोर एंड माइनस वन प्लस थ्री सो माइनस वन प्लस थ्री कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री टू के बराबर सो so पहली जो सीरीज बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस फोर माइनस वन एंड टू एंड सिमिलरली जब हमने डी लिया है थ्री जब डी लेंगे माइनस थ्री तो ए की वैल्यू तो वही रहेगी माइनस वन अब ए माइनस डी ए माइनस डी का मतलब हो गया ए माइनस डी का मतलब हो गया ए है माइनस वन माइनस माइनस थ्री ठीक है सो so ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू तो ये हो गया टू के बराबर और थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी सो ए है माइनस वन माइनस सॉरी प्लस माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस का फोर तो यहाँ से जो टर्म आ जाएंगे वो आ जाएगा टू माइनस वन माइनस फोर और यहाँ से आ जाएंगे माइनस फोर माइनस वन टू सो ये आ जाएंगी हमारी दोनों सीरीज या जब डी की वैल्यू थ्री है या फिर जब डी की वैल्यू माइनस थ्री है सो दीज विल बी द टर्म्स ठीक है ये चीज यहां पे हो गई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर इज इज 120 तो चार टर्म जिनका सम 20 के बराबर है तो कैसे निकालेंगे देखिए सो so, हमने ले लिया फर्स्ट टर्म लेट से ए माइनस डी दूसरा ले लिया ए प्लस डी इससे पहले ले लिया ए माइनस टू डी सॉरी थ्री डी और इसके पर बाद ले लिया ए प्लस थ्री डी ठीक है अगर वापस पीछे मुड़े क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो देखिए जब फोर टर्म्स होते हैं तो फोर टर्म्स में क्या क्या होते हैं ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी सो यहाँ से हमने वही वाले टर्म्स ले लिए ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी एंड ए माइनस थ्री डी अब फायदा क्या होगा देखिए ये टर्म्स लेने से आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते थे लेकिन इसको लेने से फायदा क्या होता है कि सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है सो so, कह रहा है सम इज इक्वल्स टू ट्वेंटी यानी इन सब को अगर ऐड करें तो ऐड करने पे किसके बराबर आ जाएगा ऐड करने पे आ जाएगा ट्वेंटी के बराबर करके देखते हैं इनको एड सो माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल हो गया माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने हो गए फोर ए ज इक्वल टू ट्वेंटी सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई ए की वैल्यू आ गई सो so हमको ये फोर टर्म्स निकालने जिसमें से ए की वैल्यू तो हलुआ बिल्कुल एक बार में मिल गई अब डी की वैल्यू निकालनी डी की वैल्यू देने के लिए निकालने के लिए हमको दूसरी कंडीशन दिए क्या कह रहा है द सम ऑफ हुक्वायर इज वन ट्वेंटी यानी इन सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम वन ट्वेंटी के बराबर है तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं इनका स्क्वायर का सम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे सो so ये हो जाएगा ए माइनस थ्री डी के स्क्वायर का सम विद ए माइनस डी का स्क्वायर का सम फिर ए प्लस डी के स्क्वायर का सम फिर ए प्लस थ्री डी के स्क्वायर का सम करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो देखिए फर्स्ट टर्म का ए माइनस बी होल स्क्वायर सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फिर थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो so ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी ठीक है ये आ गया इसका फिर थर्ड टर्म का करेंगे तो ये आ जाएगा क्या ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी प्लस थर्ड का करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस नाइन डी स्क्वायर प्लस सिक्स ए डी अब देखिए होगा क्या So, ये किसके बराबर है इन सब का सम का स्क्वायर सब ये किसके बराबर है ये 120 के बराबर है ठीक है सो so, यहाँ पे इसको हमने क्या किया 120 के बराबर पुट कर दिया अब देखिए होगा क्या माइनस सिक्स ए डी प्लस सिक्स ए डी कैंसिल हो गया टू ए डी माइनस टू ए डी कैंसिल हो गया अब इन सबको ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो नाइन प्लस वन हो गया टेन नाइन प्लस वन हो गया टेन प्लस टेन ट्वेंटी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी ठीक है सो so, एक इक्वेजन हमारे पास यहाँ से ये यह आ गई अब देखिए क्या कर सकते हैं इस पूरी इक्वेजन को फोर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि फोर इज द कॉमन मल्टीपल इन दिस इक्वेजन तो अगर इस पूरी इक्वेजन को फोर से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा क्या ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस फाइव डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्टी क्या किया इस पूरी इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर दिया क्यों किया क्योंकि फोर यहां पे कॉमन था। करने के लिए पूरी इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर दिया अब ए की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता चल चुकी है इज इक्वल टू थर्टी ठीक है सो इस ट्वेंटी फाइव को उधर भेज दिया तो थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फाइव तो फाइव डी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन सो यहाँ से आ गया d की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन सो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन यानी प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है और a की वैल्यू फाइव ऑलरेडी आ चुकी है सो so अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों सीरीज तो टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे देखिए a माइनस थ्री डी सो ए की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू थी फाइव फाइव अब देखिए d की वैल्यू एक बार वन लेनी पड़ेगी और डी की वैल्यू एक बार माइनस वन लेनी पड़ेगी तो वन लेके देखते हैं सो वन लेंगे तो कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू होगी फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू टू देन फाइव माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर देन फाइव प्लस वन सो फाइव प्लस वन दैट इज इक्वल टू सिक्स देन फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू एट पाँच तीन आठ ठीक है ये हो गई हमारी ये सीरीज जब माइनस वन लेंगे तो माइनस वन केस में क्या आ जाएगा देखिए सो so ए की वैल्यू है फाइव माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा फाइव प्लस थ्री सो फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एट फिर ये हो जाएगा सिक्स फिर ये हो जाएगा फोर और फिर ये आ जाएगा टू ठीक है सो so यहाँ से ये जो सीरीज है या तो टू फोर सिक्स एट हो जाएगा या फिर एट सिक्स फोर टू हो जाएगा सो दीज आर द टू सीरीज जो यहाँ से हो सकती हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इट थैंक यू खत्म हो गई है हमारी सीरीज़ की क्वेश्चन सो एपी का जो इंट्रोडक्शन था दैट इज इट इसके बारे में हो गया सो so, इसमें हमने पढ़ा क्या कि अगर हमको तीन चार पांच छः टर्म्स दिए हैं तो वो उसके बराबर होते हैं एन एथ टर्म का फॉर्मूला हमको यहां से पता चल गया ए पी क्या होता है सीक्वेंस क्या होता है सीरीज क्या होता है ये सारी चीजें हमने यहाँ से पता कर ली अगर हमको आर एथ टर्म निकालना है फ्रॉम दी एंड तो उसका फॉर्मूला हमने सीख लिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लिए सो so, अगर आपने ये इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो भाई कसम से सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे आग लगा देंगे और बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लेंगे सो so,